करवा चौथ का त्यौहार महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वहीं उन्हें व्रत के समय अपने खान पान की समस्या भी खासी सताती है। लोकल 18 को जानकारी देते हुए सर्टिफाइड डाइटिशियन एवं हेल्थ एंड फिटनेस कोच अवध शरण कुशवाहा ने बताया कि करवा चौथ के एक दिन पहले महिलाओं को संतुलित और पौष्टिक आहार लेना चाहिए। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे ओट्स, रागी, किनोवा और दलिया शामिल करें ताकि शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिल सके। साथ ही दही और छाछ का सेवन पेट संबंधी समस्याओं से बचाव करता है, जबकि मेवे जैसे काजू, बादाम और अखरोट से व्रत के दौरान ऊर्जा बनी रहती है। फल सब्जियों का सेवन शरीर को आवश्यक विटामिन और मिनरल्स प्रदान करता है। व्रत खोलते समय हल्का और पौष्टिक आहार जैसे मिक्स वेजिटेबल सूप, नारियल पानी और ओट्स खाना चाहिए ताकि शरीर को आराम से व्रत के बाद संतुलन मिल सके। मेरा नाम अवध शरण कुशवाहा है, मैं हेल्थ एंड फिटनेस कोच हूँ और मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि करवा चौथ में अपना व्रत कैसे रखें और एक दिन अपना डाइट प्लान कैसे लें, कैसे एनर्जी अपनी बनाए रखें। तो आज इसके बारे में हम बताने वाले हैं कि करवा चौथ के एक दिन पहले उनको मतलब प्रोटीन बेस्ड खाना लेना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन बेस्ड खाना जो लेंगे तो उनकी एनर्जी प्रॉपर बनी रहेगी और कार्बोहाइड्रेट और फास्ट फूड थोड़ा कम खाना चाहिए उनको, क्योंकि फास्ट फूड जो है ना हमारी बॉडी को ज़्यादा कैलोरी तो देते हैं लेकिन एनर्जी उनकी लॉस कर लेते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा करवा चौथ के एक दिन पहले उनको पर्याप्त मात्रा में मतलब डिहाइड्रेशन बनाने के लिए उनको पानी पर्याप्त मात्रा में लेना है और न्यूट्रिशन वेज खाना खाना है जिसके अंदर पोषक तत्वों की ज़्यादा होते हैं वो खाना खाना है, जैसे कि जो जिसके अंदर फाइबर है, कैल्शियम है, आयरन है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो खाना खाना है उनको। फ्रूट्स में अपना पपीता ले सकती हैं, वो एप्पल ले सकती हैं और साथ साथ खाने में जैसे कि जिन खाने में फाइबर ज़्यादा है, किन कौन खाने में फाइबर ज़्यादा है, जैसे कि अपना जो मल्टी हैं जैसे कि ज्वार है, बाजरा है और मिक्स जो दालें हैं उनको भी अपने खाने में मिला सकती हैं और वो ले सकती। व्रत जैसे उनको तोड़ना है ना, तो व्रत तोड़ने के समय उनको ना पहले तो हाइड्रेशन के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी लेना चाहिए उनको, और उसके साथ साथ उनको फिर उनको एक मतलब लो कैलोरी वाला खाना लेना है। हाई कैलोरी वाला हमने खाना अवॉइड करना है, जैसे फास्ट फूड है तो उसको अवॉइड करना है। लो कैलोरी वाला खाना क्या कहलाता है, जिसके अंदर ग्लाइमिक इंडेक्स, जिसका ग्लाइमिक इंडेक्स लो है, 55 GI से कम है, उस खाने को अपने को लेना है। कि हाइड्रेशन के लिए वो नारियल पानी ले सकती हैं, कुछ जूस वगैरह हैं वो ले सकती हैं, फ्रूट्स लेके उनका जूस निकाल के वो पी सकती हैं और गन्ने का रस ले सकती हैं, इस तरह से। लोकल 18 के लिए शिवांग द्विवेदी की रिपोर्ट, सतना।